19वीं सदी में जिस तरह हमारे देश में बंधवा मजदूरी का चलन था, ठीक उसी तरह दुनिया के कई कोनों में स्लेवरी सिस्टम जोरों शोरों पर था। पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेव्स अपने मास्टर के यहाँ काम करते थे। वो ऑलमोस्ट ये भूल गए थे कि उनकी भी अपनी लाइफ है, उनके भी कुछ सपने हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, या फिर वो भी एक इंसान है। उसी दौरान 1818 फरवरी में यूएसए में रहने वाली एक ब्लैक स्लेव हैरेट बैले के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन उसकी माँ के मास्टर ने उस बच्चे को उसकी माँ से 7 महीने की उम्र में ही अलग कर दिया। उसके बाद उसका ख्याल उसकी नानी रखने लगी, लेकिन जब वो 6 साल का हुआ, पैसे की तंगी के कारण उसकी नानी ने उसको एक जंगल में छोड़ दिया। उस बच्चे से अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लगातार 2 दिनों तक रोता रहा। फिर जंगल में घूमते एक मास्टर की उस पर नजर पड़ी, जिसने उसे एक पेंटर को भेज दिया। पेंटर की वाइफ बहुत दयालु थी, जिसने उसका ख्याल रखने के साथ साथ उसको पढ़ाना भी चालू किया और इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी सिखाना चालू किया। वो बच्चा 6 साल की उम्र में भी इतना होनहार था कि चीजों को तुरंत समझ लेता था। अब पेंटर की वाइफ ने उसको एक इंग्लिश की बुक लाकर दी और जैसे ही पेंटर को इसके बारे में पता चला, पेंटर ने अपनी वाइफ को बच्चे को पढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी, उसने जैसे तैसे करके पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे करके उसे इंग्लिश पढ़ना आ गई और वो न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ने लगा। ये सब वो इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि एजुकेशन ही वो टूल है जिसके द्वारा स्लेवरी सिस्टम को हटाया जा सकता है। इसीलिए वो चर्च में स्लेव्स के बच्चों को पढ़ाने लगा, लेकिन गोरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे एक जालिम मास्टर के यहाँ बेच दिया गया, जो आए दिन उसको मारता पीटता था। एक दिन उस बच्चे ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो उस जंजाल से भाग आया। उसके बचाए हुए पैसे से वो दूर वॉशिंगटन आ गया और यहाँ आकर उसने स्लेवरी मूवमेंट ज्वाइन किया। अच्छी खासी नॉलेज होने के कारण स्लेव्स की सोसाइटी में लेक्चरार बन गया। अब धीरे धीरे वो फेमस होने लगा। अपनी इस पावरफुल क्वालिटी के कारण वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट सर अब्राहम लिंकन के एडवाइजर बन गए। साथ ही व्हाइट हाउस में मिनिस्टर की पोस्ट पाने वाले और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले ब्लैक सिटीजन बन गए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन राइट लीडर फ्रेडरिक डगलस थे, जिनकी वजह से अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम खत्म हुई और ब्लैक लोगों को सिटीजनशिप और वोट देने का अधिकार मिला। सोचो उन्होंने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया, बिकॉज ना तो वो कभी स्कूल गए, ना उनके पास कोई कॉलेज डिग्री थी। कैसे वो एक मामूली स्लेव से एक लीडर, ऑथर और एक मिनिस्टर बन गए? इसका जवाब है सेल्फ एजुकेशन। इनफैक्ट आइंस्टाइन भी बोलते हैं, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन लर्नड इन स्कूल। यानी कि असल एजुकेशन वो है जो स्कूल में पढ़ाया भूलने के बाद बचती है।